हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको अपकमिंग जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो निकाली गई हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी जॉब्स है वो निकलने वाली हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर लें और तैयारी कर लें। दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी जानकारी पता चल जाए और आपको इन जॉब्स के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, जो रिसेंटली जॉब्स निकाली गई हैं गवर्नमेंट द्वारा स्टूडेंट्स के लिए, 10वीं 12वीं पे छात्रों के लिए जो निकाली गई हैं, वो सारी बातें मैं आपको अपने इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों खुशखबरी, जो SSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी और 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए भी। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा इसकी सारी जानकारी आपको देने वाला हूं अपने इसी वीडियो में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसियाँ हैं निकाली गई हैं दोस्तों। तो मैं आपको 10वीं के छात्रों और 12वीं के छात्रों के लिए बता दूं दोस्तों, जो हाई कोर्ट में जो ऑपरेटर होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उनके लिए जॉब निकाली गई है बहुत ही बड़े लेवल पे। हाँ दोस्तों, जितने भी जो कोर्ट होती हैं उनमें आपको कंप्यूटर के आगे बैठना होता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, आपको बहुत ही ईजी काम रहता है ऑपरेटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसमें तो इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं मांगी है। अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर लिया तो आप उसके आराम से फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी जॉब है दोस्तों और बहुत ही बड़े लेवल पे है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जॉब होती है और इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके फॉर्म को अप्लाई करने में। मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपके एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसमें सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई जरूर करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, SSC के जो छात्र हैं उनके लिए भी बता दूं, SSC के जो MTS ऑनलाइन फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों, SSC MTS ऑनलाइन फॉर्म आराम से भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनके लिए बहुत ही बड़े लेवल पर वैकेंसी निकाली गई हैं गवर्नमेंट द्वारा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी उनको फॉर्म को भरें और आराम से उस फॉर्म को भर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जो हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है उसके लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और एज लिमिट बता दूँ। सबसे पहले एज लिमिट आपकी इसमें रहेगी मिनिमम 18। हाँ दोस्तों, 18 साल के हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सक पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका 18 ईयर का होना बहुत ही जरूरी है इसमें, 18 प्लस अगर आप हैं तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, SSC वाले छात्रों के लिए भी इसमें आपकी एज लिमिट भी 18 मांगी गई है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अप्लाई करने में। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपके 18 साल का होना बहुत ही जरूरी है इसमें, आपको कंपलसरी 18 साल होना। और इसमें आपने दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपके अगर SSC क्लियर कर चुके हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी देर ना करें और आराम से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर जाकर आपको इसके फॉर्म का लिंक है वो मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ तो इसके फॉर्म के लिंक के बारे में दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको इसके फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म भरना है और आपको अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको अप्लाई करने में, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको बता चुका हूँ इसके एज लिमिट के बारे में और मैं आपको फॉर्म का लिंक भी बता चुका हूँ, आपको लिंक पर क्लिक करना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप आराम से फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद।